नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पब्लिक मैटर में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा चमत्कार किया। दरअसल उनकी कथा सागर में चल रही थी जिनका समापन हो गया है। इस अवसर पर पहले दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी बात सच हुई। जी हाँ, यहाँ कथा के आखिरी दिन 95 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। इस दौरान मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वापसी करने वालों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा, आगे अगर कोई बड़ा प्रलोभन मिलेगा तो क्या फिर चले जाओगे? इसके जवाब में लोगों ने कहा, हम आपसे प्रेरित होकर सनातन धर्म में आए हैं, अब कभी वापसी नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक हिंदुओं को बिखरने नहीं दूंगा। इस बीच कथा में उपस्थित हजारों लोगों ने जय श्री राम की जयकारी भी लगाई। उन्होंने कहा, बारिश हो रही है, जमीन जरूर गीली है, लेकिन जमीर गीला नहीं होना चाहिए। जिस यज्ञ में बारिश हो जाती है वो यज्ञ सफल हो जाता है। मैं कह रहा है था कि सागर में कुछ बड़ा होने वाला है। आज कुछ परिवार सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसमें 50 से अधिक परिवारों के 95 लोगों को शामिल किया गया है, जो कि भ्रमित होकर अन्य धर्म में चले गए थे। बागेश्वर धाम बाबा ने गुलाब रानी, दयाल और अन्य लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, अब बताइए, कहते हैं हम नफरत फैला रहे हैं या कोई हमारे भोले भाले सनातियों को बहला रहा है। इसके बाद कथा में भागवत के प्रसंगों का भी सुंदर वर्णन हुआ और कई दृष्टांत हुए। अंतिम दिन बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने को पहुंचे थे। काका तो बिंदी न लगा। हाँ। यो छतरी के बारे अब तुम्हें ठटरी बाहर देने। अब अगर वो फिर से यहाँ है कि हम तुम्हें एक बकरिया दे रहे, रुपया दे रहे, तो फिर चले जाओ। नहीं, 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 हम नहीं बोलो, चले जाओ का? नहीं जाएंगे। ना पहनो। हाँ, बिंदी नहीं लगा, मंगल सूत्र नहीं पहनो। देख लीजिए, ये दुर्भाग्य है, हमारे सनातन धर्म में मंगल सूत्र हमारा सुहाग है। जब तक पति रहता है, हमारी माताएं अपने मंगल सूत्र पर गौरव करती है। तो कहां जात रहे? इस चर्च जाते रहे। काहे भटक गए थे? और उनकी लालच में भी आ गए थे। लालच का देते हुए? अरे मच्छरदानी, बकरी वकरी ये चीजें। बकरिया जी? और तुम बकरी में बिक गए? अब जी। हे भगवान, कितने लोग तुम्हारे साथ जाते थे? 40-50 लोग हैं। 40-50 लोग? कितने दिनों तक गए हो? कितने महीने तक? तीन चार महीने गए लगातार। उन्होंने सब करवाया जी, डुबकी लगवाई जी। अब आपको किसी ने दबाव दिया है कि अपनी इच्छा से आना चाहते? क्या क्या वो कहते थे, क्या करते थे, सब बताओ खोल के। अपनी इच्छा से आ रहा है और आपके प्रवचनों से प्रभावित हो गए हैं गुरु जी, ऐसा लगा कि हम धोखा खा गए जी। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। हर लेटेस्ट खबर के लिए देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।